दोस्तों यूं तो भारत की कई सीक्रेट मिसाइल है जिनमें से अधिकांश के बारे में या तो हमने सुना है या फिर हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे कि काली 5000, ईएमपी हथियार, सूर्य मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल। और दोस्तों इन सभी मिसाइलों के ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी मिसाइल भी है जिसके बारे में हमने या तो बहुत ही कम सुना है या फिर हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। दोस्तों भारत की सीक्रेट मिसाइल का नाम है दुर्गा 2। दोस्तों दुर्गा 2 आप हमारी जो गॉडेस हैं दुर्गा माता उनसे रिलेट मत कीजिएगा। दरअसल दुर्गा का मतलब होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, दुर्गा इसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों दुर्गा DRDO का एक हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसके बारे में हम आपको वही जानकारी देंगे जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जिससे हमारी सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों इंटरेस्टिंगली इसका नाम दुर्गा ना होकर दुर्गा 2 है। दरअसल 2 का मतलब होता है अगला वेरिएंट। एग्जांपल के तौर पर भारत के पास ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस 2 पर काम हो रहा है। ऐसे ही अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट है और अग्नि 6 पर काम चल रहा है। ठीक ऐसे ही अब दुर्गा 2 का मतलब है कि भारत ने ऑलरेडी दुर्गा को बना लिया है और इसके अगले वेरिएंट यानी दुर्गा 2 पर काम कर रहा है। दोस्तों इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में आप बहुत कम न्यूज वगैरह में, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि न्यूज चैनल पर पाओगे, जबकि भारत के और सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में आपको न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पर आसानी से डाटा मिल जाएगा। यहाँ तक कि भारत के काली वेपन की तो तस्वीरें भी हमारे सामने मौजूद है और काली वेपन का तो व्हाइट वॉश मिशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है, जिसके बारे में मैंने इसी हफ्ते वीडियो भी बनाई थी। लेकिन फिर दुर्गा के बारे में आखिर हमें क्यों नहीं पता? तो दोस्तों इसका कारण है कि दुर्गा के बारे में ना तो DRDO ने कुछ बताया और ना ही भारतीय मीडिया में इसको लेकर बात हुई। दरअसल यह न्यूज भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से निकलकर आई है और अमेरिका ने यह दावा किया था कि भारत दुर्गा 2 पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिका की डिफेंस वेबसाइट है डिफेंस न्यूज, जिन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें दुनिया भर के सभी देशों की हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को एनालाइज किया गया था और उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसी लिस्ट में भारत की दुर्गा 2 का जिक्र किया गया था। यही नहीं, अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी रिवील किया गया था कि DRDO ने $100 मिलियन डिफेंस मिनिस्ट्री से लिए थे अपने इस दुर्गा 2 प्रोजेक्ट के लिए और यह एक बहुत बड़ा डायरेक्ट एनर्जी का प्रोजेक्ट है। तो चलिए दोस्तों हमने यह तो जान लिया कि दुर्गा 2 के बारे में न्यूज कहां से आई, अब चलिए जानते हैं कि आखिर यह वेपन है क्या। दरअसल दोस्तों डायरेक्टेड एनर्जी, जो कि एक लाइट की स्पीड से काम करने वाला एक लेजर वेपन DRDO बनाना चाहता है। अब दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि यह तो काली वेपन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, काली वेपन अलग है, EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो अलग है और दुर्गा 2 भी इन दोनों से अलग है। काली वेपन और EMP में क्या डिफरेंस है ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे दुर्गा 2 के बारे में। दोस्तों दुर्गा 2 को भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही सेना यूज कर सकेगी। ये लेजर वेपन ऑफेंसिव भी होगा और डिफेंसिव भी होगा, यानी कि ये दुश्मन की मिसाइल वगैरह को भी नष्ट कर सकता है और साथ ही इस लेजर वेपन से अटैक भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो DRDO के पास अभी 25 किलोवाट तक पावर जनरेट करने वाला एक लेजर वेपन DRDO बना चुका है और इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। वहीं यह लेजर वेपन 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ऑब्जेक्ट को मार सकता है, लेकिन यह अभी सिर्फ ड्रोन वगैरह को ही मार सकता है। वहीं कम पावर की मिसाइल को भी इससे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन DRDO का जो ये प्रोजेक्ट दुर्गा है, ये 100 किलोवाट तक के पावर को जनरेट करेगा और इतनी पावर की लेजर दुनिया में अभी किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। लेजर वेपन में फिलहाल अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने US नेवी को एक लेजर वेपन प्रोवाइड करके दिया है जो कि 60 किलोवाट तक के पावर को जनरेट कर सकता है और इस पावर से वो लेजर बीम को छोड़ता है। US नेवी उसका इस्तेमाल ड्रोन्स को मारने या फिर दुश्मन के शिप को डैमेज करने के लिए कर सकता है। 60 किलोवाट से US नेवी यह सब अगर कर सकती है तो भारत की दुर्गा 2 क्या तबाही मचा सकती है, ये हम सोच सकते हैं। 100 किलोवाट की एनर्जी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल्स, ड्रोन्स और बड़े बड़े ड्रोन्स, इन सबको मार गिरा सकते हैं। दोस्तों DRDO का जो ये लेजर वेपन है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वहीं इसे क्यों फ्यूचर का एक बेहद ही खतरनाक वेपन माना जाता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इन वेपन से फास्ट कोई भी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि लेजर मतलब लाइट और ये जो लाइट की रफ्तार होती है उसी स्पीड से काम करती है। इससे होगा यह कि जब दुश्मन की मिसाइल पर इसे फायर किया जाएगा तो 1 सेकंड से कम टाइम में फायर करते ही वो चीज नष्ट हो जाएगी। वहीं जो मिसाइल वगैरह होती है वो टाइम टेकिंग होती है, वहीं लेजर लाइट से तेज कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसको फ्यूचर का एक डेडलीस्ट वेपन माना जाता है। दोस्तों अब मैं DRDO के EMP प्रोजेक्ट, काली वेपन और दुर्गा 2, इन तीनों ही सीक्रेट
प्रोजेक्ट पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इन तीनों ही वेपन की एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं और अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसी हफ्ते उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों DRDO के इस दुर्गा प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।